महापालवास हत्याकांड मामले में जाट समाज आक्रोशित। 3 दिन का दिया झुंझुनू पुलिस को अल्टीमेटम, शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 3 मांगे रखी। कहा 3 दिन में नहीं पूरी हुई मांग तो शुरू करेंगे धरना। सोशल मीडिया पर समाज को लेकर टिप्पणियों पर जताया गुस्सा। युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप थिवा ने कहा, पुलिस और प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई तो नकेल डाल देंगे। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के महापालवास गाँव में करीब 1 माह पहले की गई अमित उर्फ अंकित की हत्या का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। दरअसल जाट समाज के प्रतिनिधियों ने आज जाखोद बाईपास पर स्थित निजी होटल में बैठक की और अब तक इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की। बैठक के बाद जाट महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप धीमा ने बताया कि 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जो फरार आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यही नहीं, मृतक की पत्नी बार बार सुरक्षा की गुहार लगा रही है लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इधर सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक समाज द्वारा जाट समाज को निशाना बनाकर अनर्गल टिप्पणियां कर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यदि 3 दिन में पुलिस शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मृतक के परिवार को सुरक्षा नहीं देती है, साथ ही प्रशासन परिवार को सहायता नहीं देता है, तो थाने के सामने बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन इसी तरह लापरवाही बरतेगा तो जाट समाज नकेल डालकर अपनी बात मनवाएगा। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने 15 सितंबर से थाने के सामने धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। जैसे कि सूरजगढ़ विधानसभा में 1 महीने से ज्यादा हुआ अंकित हत्याकांड हुआ, जो कि सरेआम बदमाशी की तमाम इंतहा को पार करते हुए एक घर के पूरे को मारने की साजिश हुई, जिसमें एक की जान गई और उसकी माँ घायल है और उसकी पत्नी जो कि आज भी सुरक्षा को लेकर गुहार करती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से न तो उनको सुरक्षा मिली और आज जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं आज सर्व पूरा समाज, जाट समाज इकट्ठा, आज हम यहाँ सूरजगढ़ में इकट्ठे हुए हैं। हमारी ये मांग है प्रशासन से, शासन से, 3 दिन के अंदर अगर प्रशासन उन फरार अपराधियों को नहीं पकड़ेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ी मूवमेंट होगी और उस परिवार को प्रथम श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और उस परिवार को एक घर में नौकरी और मुआवजा दिया जाए और प्रशासन तुरंत प्रभाव से इनको लागू करे और ये जो तमाम जो सामाजिक ताना बाना जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आज झुंझुनू जिले का ताना बाना बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है विशेष समाज की वजह से, जो यहाँ बाहर के लोग आने की लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तमाम वीडियो जारी कर रहे हैं, जाट समाज के ऊपर कथित टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि प्रशासन से सबक मिले ताकि हमारा राजस्थान का समाज, हमारे झुंझुनू जिले का समाज जो भाईचारे का ताना बाना बना रहे और अपराधियों को सजा मिले। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, अगर बख्शा तो प्रशासन से हमारी मांग है, अगर एक भी अपराधी के खिलाफ नरमता बरती गई तो ये जाट समाज फैसला लेगा और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हाँ, आज हम SDM साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि यहाँ प्रशासन पता नहीं कि कौन सी ढिलाई बरत रहा है। लोग अपराधी बेखौफ होके क्षेत्र में घूम रहे हैं, मर्डर जैसा अपराध होके, जघन्य अपराध करके भी लोग बेखौफ होके घूम रहे, कहीं न कहीं लाचारी है प्रशासन की। हमारी अगर 3 मांगे नहीं मानी जाती है प्रशासन के द्वारा तो 15 तारीख को सूरजगढ़ थाने के आगे जाट समाज बहुत बड़ी संख्या में मीटिंग करेगा और एक धरने के रूप में अनिश्चितकालीन धरना होगा। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हमारे जब तक मांगे हैं, जो मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जाट समाज वहां अपनी ताल ठोकेगा और प्रशासन के नकेल डाल के अपनी बात मनवाएगा।